महाराष्ट्र में एक से एक बड़ी खबरें सामने आ रही है। अब एक बार फिर से अजीत पवार के दावे से देश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। दरअसल महाराष्ट्र में दो गठबंधनों के बीच मुकाबला है, इंडिया और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, शिवसेना जिसमें उद्धव गुट, एनसीपी जिसमें शरद पवार गुट शामिल है। इनका मुकाबला एनडीए यानी भाजपा गठबंधन की शिवसेना सिंधे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट और भाजपा के साथ है। इस गठबंधन का नाम रखा गया है महायुति। भले ही भाजपा एनसीपी और शिवसेना को तोड़कर उसका एक धड़ा अपने गठबंधन में शामिल करने में सफल रही और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए सफल रही हो, लेकिन लोकसभा में उन्हें इसका लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। कई चुनावी विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंता जता चुके हैं। इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी करना तो बेहद मुश्किल है। 4 जून को अंतिम फैसला आ जाएगा। लेकिन इस बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के एक बयान ने इंडिया गठबंधन की आस को और ज्यादा बढ़ा दिया है, तो वहीं एनडीए की धड़कनों को तेज कर दिया है। दरअसल अजीत पवार ने पार्टी की बैठक में बोला है कि इस चुनाव में क्या होगा यह ब्रह्मा भी नहीं बता सकते। सियासी जानकार उनके इस बयान को बहुत बड़ा मान रहे हैं, कई लोग उनके इस बयान को हार की तरफ इशारा मान रहे हैं। मीडिया इंडिया के मुताबिक अजीत पवार ने बोला कि ठाकरे से कोसों दूर अल्पसंख्यक समुदाय इस वर्ष ठाकरे गुट के साथ चला गया, इसलिए इस चुनाव में क्या होगा यह तो ब्रह्मा भी नहीं बता सकते। एक और जहां भाजपा लगातार 400 पार सीटें जीतने का दावा कर रही है, ऐसे में यह मुरझाया हुआ बयान काफी कुछ बयां कर रहा है। पवार के ब्रह्मदेव वाले बयान पर तंज करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कह दिया है कि मतदान ब्रह्मदेव नहीं करते हैं, जनता करती है। वो लोग हारने वाले हैं इसलिए ब्रह्मदेव को याद कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ने चुनाव की शुरुआत की थी, 7वें चरण तक आते आते वो बात अब एनडीए गठबंधन और भाजपा में नजर नहीं आ रही है। 400 पार के दावे पर भी उनकी बातें अब फीकी नजर आ रही है। अजीत पवार के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।